तो दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज बनाएंगे दही सूजी का नाश्ता। तो मैंने कुछ मटर लिए हुए हैं ग्राइंडर जार में डाल के इसका एक थोड़ा दरदरा दरदरा पेस्ट बना लेंगे। तो मैंने दरदरा दरदरा थोड़ा पीस लिया। एक कटोरी सूजी डाल देते हैं, एक कटोरी दही, इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं करना, ज़्यादा पतला भी नहीं। तो हमारा गर्म हो गया है, मैं थोड़ा तेल डालूंगी। थोड़ा जीरा डालूंगी। तो जीरा हमारा पक चुका है, मैं एक प्याज डालती हूँ। मैंने दो आलू लिए हुए हैं, ये अच्छे से मैश कर लिए हाथ से, ये डाल देते हैं। मटर भी डाल देते हैं। तो सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर देते हैं। तो मैं कुछ मसाला डालूंगी, चौथाई चम्मच नमक, आधी चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, आधी चम्मच धनिया पाउडर, चौथाई चम्मच हल्दी पाउडर, और सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आधी चम्मच में गरम मसाला डालती हूँ, आधी चम्मच अजवाइन, इसे काफ़ी अच्छा टेस्ट आएगा। और सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। तो मैंने मसाला बना लिया है, गैस को बंद कर देते हैं, ठंडा होने के लिए इसको रख देते हैं। तो मैंने एक बाउल में निकाल लिया ये मसाला। तो ये फूल चुका है अच्छे से और गाढ़ा भी हो गया है। मैं इसमें थोड़ा पानी डालूंगी, इसको ज़्यादा पतला नहीं बनाना। तो ये सूजी फूल जाती है, ऐसा ही रखना है। तवा हमारा गर्म हो गया है, थोड़ा तेल लगाऊंगी, ज़्यादा नहीं लगाना। ये नाश्ता ज़्यादा तेल में नहीं बनता, कम तेल में बनता है बिल्कुल। तो एक बड़ी चम्मच ले लें, तवे पे डालते हैं, इसको थोड़ा फैला दें। तो मैंने ये इसको डाल देती हूँ, इसको थोड़ा सा दबा दें। फिर से थोड़ी सी इस सूजी का गोल डाल देते हैं, बिल्कुल पतला पतला डालें, इसको थोड़ा फैला दें। तो इसको 2-3 मिनट ढक्कन लगा के पका लें। तो 2-3 मिनट हो चुके हैं, ढक्कन हटा के देखते हैं। तो इसे पलटते हैं, थोड़ा सा सावधानी से पलटें इसको। इसको फिर से ढक्कन लगा के 2 मिनट और पका लेंगे इस साइड से। 2-3 मिनट हो चुके हैं, ढक्कन हटा के देखते हैं दूसरी साइड से भी।
इसको देखते हैं, इस साइड से भी पक चुका है, ये दोनों साइड से अच्छे से सिक चुका है। तो इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं, देखिए बिल्कुल अच्छे से सिक चुका है। तो फिर से थोड़ा तेल लगाएंगे, सूजी का घोल डाल देंगे, इसको थोड़ा फैला दे। मसाला डालती हूँ, इसे थोड़ा सा दबा देंगे, फिर से थोड़ा सूजी का घोल डाल देंगे। ऊपर की साइड से थोड़ा पतला रखें, तो इसे फिर से 2-3 मिनट ढक्कन लगा के पका लेंगे। 2-3 मिनट हो चुके हैं, ढक्कन हटा के देखते हैं, नीचे की साइड से अच्छे से पक चुका है। तो इसको दूसरी साइड पलटेंगे, इस साइड थोड़ा तेल और लगा लेंगे, इसको दूसरी साइड पलट देंगे। फिर से 2-3 मिनट ढक्कन लगा के पका लेंगे। 2-3 मिनट हो चुके हैं, ढक्कन हटा के देखते हैं, तो इस साइड से भी अच्छे से पक चुका है। तो इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं, मैं आपको काट के दिखाती हूँ। अंदर से मसाला भी पका हुआ है, सॉस के साथ या हरी चटनी के साथ इसको खा सकते हो। और कमेंट में मेरे को ज़रूर बताएं आपका नाश्ता कैसा बना है। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करना।